उसके बाद मोदी की कुर्सी गायब कर देंगे गठबंधन वाले मिलके। नहीं 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 मोदी वो खुद गायब हो गए भैया, वो बिल्कुल एकदम गायब हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं चलने वाला है। जी योगी जी आ रहे हैं मोदी जी के साथ, एक तरफा 60 सीटें, उत्तर प्रदेश का पूरा जन समर्थन है, जन सैलाब है, मोदी जी आ रहे हैं आप देखते रहिए। मोदी जी आए, उन्होंने संघर्ष किया, अब कोई बोल रहे इलेक्शन आए इसकी वजह से मोदी जी ने मंदिर खड़ा कर दिया, ये चीजें नहीं है। मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने अपना धर्म बचाया है। राजस्थान की 25 सीटें जिसकी 25 मोदी जी के खाते में जाएगी, कन्फर्म जाएगी, हम दावे से कहते हैं कन्फर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा, मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट है जहां पर 26 जनवरी को भव्य यहां पर फंक्शन हुआ और कुछ लोग हैं जो साफा बांधे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, राजस्थानी पगड़ी बांधे हुए नजर आ रहे होंगे। ये राजस्थान के लोग हैं जो देश की राजधानी दिल्ली में मुझे घूमते हुए मिले, लेकिन इनसे सवाल जवाब करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव हुआ और राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव से पहले भव्य राम मंदिर के जो उद्घाटन हुआ है उस पर राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं और 24 में राजस्थान के लोगों की राय क्या है, आज इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप युवा हैं, आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, क्या लग रहा है, राम मंदिर भव्य बना, निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब आम जनमानस के लिए भी मंदिर खोल दिया गया, राजस्थान के लोग दर्शन के लिए जाएंगे क्या? जी सर, जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाना भी चाहिए। राम मंदिर जाना भी चाहिए। कई सालों से बंदों ने संघर्ष किया है वहाँ, कई मतलब जैसे कि उनको एक दो बंदे थे उनको गोली से मार भी दिया गया था, जो संघर्ष किया, जो मतलब दरगाह के ऊपर उन्होंने झंडिया लगाई थी, ठीक है ना। उन पहले जो सरकार थी उन्होंने मतलब उनको कई बार उन्होंने मतलब अपने जैसे कि जो हिंदू है उन्होंने कई संघर्ष किया, उनको नहीं बात मानी। मोदी जी आए, उन्होंने संघर्ष किया, अब कोई बोल रहे इलेक्शन आए इसकी वजह से मोदी जी ने मंदिर खड़ा कर दिया, ये चीजें नहीं है। मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने अपना धर्म बचाया है। तो वही तो कह रहे हैं कि मोदी अब चुनाव में चाहे मंदिर बना ले चाहे मस्जिद में चले जाए, लेकिन मोदी गए, मोदी नहीं जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ सेट है, ठीक है। मोदी अब क्या, जरूर जरूर आएंगे, मोदी आएंगे जरूर। क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 में आपकी बार चुनावी रणनीति क्या है राजस्थान वालों की? 25 के 25 सीट मोदी जी की झोली में, मोदी की झोली में। हाँ जी बिल्कुल, सौर मोदी जी की झोली में, झोली में 25 की 25। पक्की बात है? पक्की बात है, सौर Sure. भाई साहब क्या लग रहा है, ऐसा क्या है कि मोदी को लाना चाहिए, गठबंधन तो भी नजर आ रहा होगा? गठबंधन ये मोदी आएगी, मोदी सरकार बनेगी, बीजेपी बनेगी, भाजपा। क्या लग रहा है, ऐसा क्या नजर आ रहा है 2024 में, क्या ऐसा जादू है जो मोदी का 2024 में भी नजर आ रहा है? जादू यही है कि आज इंडिया को देखो आप, विश्व के फर्स्ट नंबर पे इंडिया है और जो 27 होता था उसमें इंडिया का नाम नहीं था, आज उसकी सदस्यता इंडिया कर रहा है, ये सब मोदी की ही देन है। मोदी है तो मुमकिन है, 2024 में मोदी जी हैट्रिक मारेंगे, बड़ी शानदार हैट्रिक मारेंगे और राजस्थान में 25 के 25 सीटें मोदी के खाते में आएगी। राजस्थान की 25 के 25 सीटें जिसकी 25 मोदी जी के खाते में जाएगी, कन्फर्म जाएगी, ये हम दावे से कहते हैं कन्फर्म 100%। आप ये तो बताओ, राहुल गांधी भी तो है, वो भी तो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय। मोदी जी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे बस, और कोई नहीं आएगा, मोदी जी आएंगे। भाई साहब एक बात तो बताओ, राहुल गांधी भी तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में चली जाएगी उनकी जिंदगी जी। हाँ, उनकी जिंदगी संघर्ष में जाएगी जी। वो भारत जोड़ो यात्रा करें चाहे वो जनता को जोड़ने की यात्रा करें, उनका तो सपना चूर चूर है भाई। कह रहे हैं बार मोदी हटाओ देश बचाओ, गांधी है भैया, गांधी गो बैक है, मोदी की आंधी है इस बार। एक मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुत्व को जगाया है, जिन्होंने पूरे देश को राम में, भगवा में, सभी उसमें हर तरीके से एक भारत को एक अलग पहचान दी है। मोदी जी जहाँ है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है भैया, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी के साथ हमारे राम लखन जी, दूसरे उनके भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं। 80 सीटें पूरी की पूरी एक तरफा दी जा रही हैं भाई, साइकिल गायब, हाथी गायब, पंजा गायब, सब कुछ गायब, साइकिल गायब, हाथी गायब, पंजा गायब, सब कुछ गायब। क्या बात, उसके बाद मोदी की कुर्सी गायब कर देंगे गठबंधन वाले मिलके। नहीं 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 मोदी वो खुद गायब हो गए भैया, वो बिल्कुल एकदम गायब हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं चलने वाला है। जी योगी जी आ रहे हैं,
मोदी जी के साथ एक तरफा 81 सीटें, उत्तर प्रदेश का पूरा जन समर्थन है, जन सैलाब है, मोदी जी आ रहे हैं, आप देखते रहिए। मोदी क्या कहेंगे, आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं राजस्थान वालों के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, राजस्थान में भी दिख रहा है योगी का, राजस्थान में भी योगी जी का कहर बुलडोजर चल रहा है राजस्थान में भी जगह जगह, और फिर से मोदी जी आएंगे इस बार भी। अच्छा क्यों है, मोदी में ऐसा क्या जादू है? उनका पूरा चुनावी माहौल ही बहुत तगड़ा है, और वो जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई साहब। यूं कह रहे बुलडोजर चल रहा है राजस्थान में, अभी मोदी जी ने भेज दिया है योगी जी ने मिलके, बुलडोजर चल रहा है, योगी मोदी ने मिलके भेज दिया, बिल्कुल है? है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे यार, थोड़ा दबा हुआ मामला लग रहा है, क्या बात है? मैं एक ही चीज नजर आ रही है कि अभी जो देश की बागडोर है वो सही हाथों में, और इसी में होनी चाहिए। अच्छा जय हिंद। वो तो यूं कह रहे हैं देश की बागडोर सही हाथों में है, नहीं देसी बेचा जा रहा है। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, और कोई नेता हमें नजर नहीं आ रहा, हमारी नजरों से कोई दिख नहीं रहा जो देश को सही तरीके से। चाहे नेताओं के नाम बताता हूँ आपको, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, तमाम तो नेता हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनको बनाओ प्रधानमंत्री, एक बार मौका दो। मौका तो मोदी जी को, बाद में योगी जी को, अभी मोदी है फिर बाद में योगी जी है, सोच लो। एक बार मोदी, 10 बार योगी। हाँ है भाई साहब, एक बार मोदी, 3 बार योगी। ठीक है, एक बार मोदी, 3 बार योगी, 3 बार योगी कन्फर्म, तीसरी बार योगी जी भाई साहब, ठीक कन्फर्म है। चाय वाला, चाय वाला तो था पहले, ठीक है, बुलडोजर बाबा आ जाएगा, बुलडोजर बाबा आएंगे फिर, बुलडोजर बाबा। हाँ राजस्थान वालों को भी बुलडोजर समझ में आ गया, हमारे सब पहले समझ में है, बुलडोजर बाबा ने पूरे भारत को सिखा दिया राजस्थान में, क्या पूरे भारत में भेज रखे हैं बुलडोजर। हाँ पूरे विश्व में बात होती है बुलडोजर की, पूरे विश्व में पहचान बन गई उनकी, बाबा जी की, बुलडोजर के बाबा, उनका नाम वाले बाबा, हाँ उपनाम हो गया उनका। अच्छा हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ बोलिए बोलिए, बचेड़ा बोला देंगे, अब की बार 25 के 25 सीट बचेड़ा बोला देंगे, टेंशन ना ले, 25 के 25 सीट, 25 की सीट। युवा क्या सोचते हैं, कह रहे मोदी ने युवा को नौकरी नहीं दी, युवा अच्छा सोचते हैं, मोदी ने युवा को बहुत नौकरी दी है, बस युवा पढ़ने वाला होना चाहिए, नौकरियां बहुत है, नौकरियां बहुत है, बस करने वाला चाहिए, संगाल तो कह रहे, राहुल गांधी तो कह रहे कुछ नहीं है, फर्जी है मामला, वो इतना जानते नहीं नौकरी के बारे में, और नॉलेज नहीं है, वो उन्होंने पढ़े ही बाहर से किए, आटा को लीटर में नापने वाले, क्या भाई साहब, वो आटा को लीटर में नापने वाले इंसान है राहुल गांधी। यस बिल्कुल, अरे वो हाई इंटेलिजेंट है, नहीं 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 है, पप्पू, क्या भाई साहब, पप्पू है, पप्पू, नहीं नहीं वो बचे पप्पू, सब सारा कुछ बोल रहा है पप्पू, सब लोग बोल रहे पप्पू पास हो गए, अब की बार मोदी हटाओ देश बचाओ, पप्पू फेल हो जाएगा, फेल हो गया। क्या भाई साहब कह रहे, मोदी हटाओ देश बचाओ? नहीं भैया मोदी नहीं हटेंगे, मोदी के बाद योगी जी आ रहे हैं, आप इस बात को लिखवा के ले लो, ये राजपूत युवाओं की ललकार है, यहाँ पे देखिए आज केसरिया सब देखिए, जाइए आप यहाँ से, क्या आप लाखों आदमी आज हमारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जुड़े हैं, जरा एक एक युवा के दिल की पुकार सुनिए जाके, सबको मोदी और योगी मॉडल चाहिए, पूरे भारत से मोदी योगी बोल दो भैया, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। भैया एक तस्वीर है इंडिया गेट की, देश की राजधानी दिल्ली में, जिस तरीके से जनता जनार्दन घूमने राजस्थान से, हालांकि ये राजपूत समुदाय के लोग हैं, ये आए हैं, और इनकी क्या राय है 2024 के चुनाव पर, हालांकि अभी बहुत कम वक्त हुआ है जब राजस्थान में चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वहां पे मिला है, लेकिन 2024 में अब की बार क्या होने जा रहा है, जनता किसके साथ है, तो जनता की राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, इंडिया गेट दिल्ली से।